तो भारत चीन की सीमा पर बहुत ही तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाएं वहां पर डटी हुई हैं। भारत किसी भी कीमत पर चीन को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता और चीन किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। युद्ध वाली स्थिति बन गई है। प्रधानमंत्री लेह जा चुके हैं, सैनिकों का मनोबल बढ़ा चुके हैं और उसके बाद राष्ट्रपति से भी मिलकर हालात पर चर्चा कर चुके हैं। तो माना जा रहा है कि भारत और चीन के बीच कभी भी युद्ध हो सकता है, लेकिन इस बीच भारत में आपस में राजनीतिक दलों के बीच टकराहट है। चीन भारत की सीमा पर जो विवाद है उसको लेकर, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने राहुल गांधी पर देश का मनोबल गिराने का आरोप लगाते हुए कहा है कि राहुल गांधी रक्षा मामलों की संसदीय अस्थायी समिति की एक भी बैठक में शामिल नहीं हुए आज तक और देश के मनोबल गिराने में जुटे हुए हैं। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी रक्षा मामलों की स्टैंडिंग कमेटी की एक भी बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि वो देश का मनोबल लगातार गिरा रहे हैं, हमारे सुरक्षा बलों की बहादुरी पर सवाल उठा रहे हैं और हर वो काम कर रहे हैं जो विपक्ष के एक जिम्मेदार नेता को नहीं करना चाहिए। तो बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है राहुल गांधी पर, और राहुल गांधी पर हमले का जवाब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी दिया है। सुरजेवाला ने सीधे जेपी नड्डा को संबोधित करते हुए एक के बाद एक 8 ट्वीट किए हैं और सुरजेवाला ने नड्डा पर हमला करते हुए कहा, रोजाना आपकी धूर्त टिप्पणी से आप बीजेपी के दुर्भावनापूर्ण प्रवक्ता जैसे होते जा रहे हैं। अगर बीजेपी और मोदी सरकार ने अपनी ऊर्जा चीन से लड़ने और हमारे सुरक्षा बलों के समर्थन में लगाई होती तो आपको देश को गुमराह करने के लिए चीनी अतिक्रमण के बारे में झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। सुरजेवाला ने ताबड़तोड़ 8 ट्वीट कर नड्डा से कई सवाल भी किए हैं। उन्होंने नड्डा से पूछा है कि 15 लाख सैन्यकर्मी और 26 लाख पेंशनर सैनिकों के लिए 11,000 करोड़ के महंगाई भत्ते को काटना क्या मोदी सरकार का सैनिकों को मनोबल बढ़ाने का ये तरीका है? या मैकियावेली छल कपट वाला का तरीका है? तो सुरजेवाला ने पूछा है कि क्या बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता वाली संसदीय एस्टिमेट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये नहीं कहा था कि 56 वर्षों में रक्षा बजट सबसे कम हो गया है, क्या यह सेना का मनोबल बढ़ाने का मोदी का सरकार का तरीका है? तो सेना बॉर्डर पर तैनात है, सेना बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने वाली है, सेना के हौसले बुलंद होने चाहिए। प्रधानमंत्री लेह जाकर सेना को संबोधित किया और कहा कि हमारे हौसले हिमालय पर्वत से भी ज़्यादा बुलंद हैं। लेकिन जिस तरह से अपने देश के राजनीतिक दल आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, एकता का परिचय नहीं दे रहे हैं, उससे तो देश का मनोबल जरूर गिरेगा। मुझे लगता है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सबको एकजुट रहना चाहिए और चीन के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता दिखाकर देश को मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि लड़ाई केवल सैनिक ही नहीं लड़ते हैं, लड़ाई पूरा देश लड़ता है। अगर देश का मनोबल ऊंचा रहेगा तो सैनिकों का मनोबल भी ऊंचा रहेगा। तो जरूरी है देश का मनोबल ऊंचा रखने के लिए, सेना का मनोबल ऊंचा रखने के लिए कि हम दिखाएं कि पूरा देश एकजुट है, सेना के साथ खड़ा है, तभी हमारे सैनिक चीन को सबक सिखा पाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट टीम के लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन भी हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1,000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। आवर हार्ट नेवर हार्डन्स, आवर टेंपर नेवर टायर्स, आवर टच नेवर हर्ट। वी वैल्यू व्हाट वी डू। वी एट पारस वर्क फॉर कॉज, नॉट फॉर क्लॉज। लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।